नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बेजड या गोचनी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बेजड या गोचनी क्या है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना। दोस्तों, अपने नोटबुक में नोट कीजिए कुछ, गेहूं जौ व चने का मिश्रण बेजड एवं गेहूं व चने का मिश्रण गोचनी कहा जाता है, जो रबी की फसल के दौरान उगाया जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर शैली। दोस्तों, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी एवं मनुवेता का कार्य उस तक कला कहलाता है, जो बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। पद्मश्री सम्मान प्राप्त हिमासुद्दीन उस्ताद इस कला के विख्यात कलाकार थे। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवग्रह आभूषण पहना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। नवग्रह आभूषण पहना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलाई में। दोस्तों, तो दोस्तों नोटबुक में नोट कीजिए, नवग्रह राजस्थान महिलाओं का आभूषण है, जो महिलाओं की कलाई में धारण किया जाता है। इसमें नौ ग्रहों के सूचक नौ प्रकार के नग जड़े हुए होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2017 में राजस्थान के एक सांसद का निधन हो गया, यह किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट मान के चलो इसको। अगस्त 2017 में राजस्थान के एक सांसद का निधन हो गया, यह किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर से। दोस्तों, नोटबुक में नोट कीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजस्थान के अजमेर से सांसद श्री सावरलाल जाट का 9 अगस्त 2017 को निधन हो गया था। दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, नोट कीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजस्थान के अजमेर से सांसद श्री सावरलाल जाट का 9 अगस्त 2017 को निधन हो गया था। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पांचवा करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। दोस्तों, नोटबुक में नोट कीजिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र जिले के त्रिबकेश्वर स्थान से होती है। उसकी सहायता नदियां वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सवरी है। इससे दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा भी कहा जाता है। तो छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एसोचैम अवार्ड 2017 किस राज्य को प्रदान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। एसोचैम अवार्ड 2017 किस राज्य को प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। सत्य का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। एसोचैम अवार्ड 2017 किस राज्य को प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान को। दोस्तों, नोट कीजिए इसको,
कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को एसोचैम पुरस्कार अगस्त 2017 को प्रदान किया गया था। तो सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, लोपा मर्दा का संबंध किस काल से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। लोपा मर्दा का संबंध किस काल से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, साथियों का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल से है। तो दोस्तों नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, प्राचीन काल की विदुषी महिला जिसने ऋग्वेद के अनेक सूक्तों की रचना की, उन्हें ऋषि अगस्त से विवाह किया। दोस्तों नोट कीजिए, दोबारा से बोल रहा हूँ, प्राचीन भारत की विदुषी महिला जिसने ऋग्वेद के अनेक सूक्तों की रचना की, उन्होंने ऋषि अगस्त से विवाह किया था। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ निर्माता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ निर्माता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ निर्माता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। तो दोस्तों नोट कीजिए, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसके मुख्य शिल्पकार जेता और उसके पुत्र नापा कोमा एवं पूजा थे। इसकी ऊंचाई 120 फीट तथा यह 9 मंजिल था दोस्तों। इसे भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोष भी कहा जाता है। तो नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डांडिया नृत्य किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नौवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। डांडिया नृत्य क्या है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। डांडिया नृत्य किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नवी का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ क्षेत्र में। तो दोस्तों नोट कीजिए, डांडिया नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला क्षेत्रीय नृत्य है दोस्तों, जो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसमें ढोल तथा नंगाड़ा प्रमुख वाद्य है। तो दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों, यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में किसने प्रदर्शित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में किसने प्रदर्शित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दसवें का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दसवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी लाल। दसवें का आंसर हो जाएगा जानकी लाल। तो दोस्तों नोट कीजिए, बहुरूपिया कला राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जिसमें किसी ऐतिहासिक पौराणिक एवं लोक विख्यात चरित्र को अपने में आरोपित कर उसे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। इसमें एक ही कलाकार विख्यात चरित्र की वेशभूषा एवं मेकअप धारण करता है। जानकी लाल भांड भीलवाड़ा इसके विख्यात कलाकार थे। तो ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने नदी को विदित मानवाधिकार प्रदान किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। किस देश ने नदी को विदित मानवाधिकार प्रदान किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। ग्यारहवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। किस देश ने नदी को विधिक मानवाधिकार प्रदान किया? ग्यारहवें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो दोस्तों नोट कीजिए इसको,
न्यूजीलैंड ने बांगानुई नदी को विधिक रूप से मानव अधिकार प्रदान किया है। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बारी को करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से। बारी को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक जैन। तो दोस्तों नोटबुक में नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। श्री अशोक जैन को ओपी मीणा के स्थान पर राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक रहेगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में जिले एवं संभाग का सहयोग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करते रहेगा। राजस्थान में जिले में संभाग का सही युग में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें तेरेगा। दोस्तों आप यदि नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तेरेगा करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान में जिले एवं संभाग का सही युग है ऑप्शन नंबर डी, 33 व 7। दोस्तों 33 जिले एवं 7 संभाग हैं। नोट कीजिए दोस्तों अपने नोटबुक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में राज्य में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं भरतपुर कुल 7 संभाग हैं, सही 33 जिले हैं। नवीनतम संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को घोषित किया गया। नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को घोषित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नोट कीजिए। वर्तमान में राज्य में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं भरतपुर कुल 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। दोस्तों नवीनतम संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को घोषित किया गया है एवं नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को घोषित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।